पैगंबर मोहम्मद के अपमान को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में हमले की धमकी दी है। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी देने वाली चिट्ठी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। देखिए रिपोर्ट महजेश में। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी हैं। बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी कर दिया, लेकिन इसे लेकर मुसलमानों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा और अब इसमें आतंकी संगठन अलकायदा की भी एंट्री हो गई है। अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की गीदड़ भभकी दी है। अलकायदा ने चिट्ठी जारी की है जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने अपनी चिट्ठी में मीडिया डिबेट के दौरान बीजेपी नेताओं के जरिए पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी का जिक्र किया है। चिट्ठी में लिखा है, भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। ऐसे लोग ना अपने घर में सुरक्षित रह पाएंगे और ना ही सेना उनकी रक्षा कर पाएगी। आतंकियों ने आत्मघाती हमले में मासूम बच्चों के इस्तेमाल की धमकी भी दी है। चिट्ठी में लिखा है, हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं। हम अपने शरीर और अपने बच्चों के शरीर के साथ विस्फोटकों को बांधेंगे ताकि उन लोगों को उड़ा दिया जाए जो हमारे पैगंबर का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। अलकायदा की तरफ से दी गई धमकी वाला ये लेटर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और ये पता कर रही हैं कि आखिर किसने और कहां से ये लेटर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर के उपद्रवियों और पत्थरबाजों के बचाव में अब देखिए खुलकर शहर काजी सामने आ गए हैं। कहा कि बेकसूर मुस्लिम लड़कों को फंसाया जा रहा है, ऐसा ही होता रहा तो कफन बांधकर घर से बाहर निकलेंगे मुसलमान। इस रिपोर्ट में देखिए और क्या कुछ कहा शहर काजी ने। कानपुर को जलाने वालों के पैरवीकार बाहर आ गए हैं। फसादियों की धरपकड़ से कुछ मौलाना बिलबिला उठे हैं। शहर को जलाने वालों पर पुलिसिया सख्ती, मौलानाओं को रास नहीं आ रही। कानपुर के शहर काजी काजी कुद्दूस ने कहा है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और 90-95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चला तो सिर पर कफन बांधकर मुसलमान सामने आएंगे। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। ज़ियारती की इंतहा सब्र का इंतहा हो रही है। सब कफन बांध के निकल पड़ेंगे। तुम्हें यही करना है, हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, ज़ियारती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार है ना, तो हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे। हाजी साहब को दंगाइयों पर कार्रवाई एक तरफा लग रही है और जैसे ही उन्होंने बयान जारी किया देवबंदी उलेमा भी उनके समर्थन में मैदान में कूद उठे। बल्कि सबूत के आधार पर, गवाहों के आधार पर और वीडियो के अंदर जो भी हजरात नजर आ रहे हैं उन लोगों को निशानदेही करके उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जिसने पत्थर चलाए, हिंसा फैलाई, उसकी करतूत कैमरे में कैद है और इसी आधार पर गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि कुछ मौलाना, काजी और उलेमा उपद्रवियों के समर्थन में कूद पड़े हैं और इतने सबूत होने के बावजूद भी उन्हें बेकसूर बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानपुर हिंसा मामले में मौलाना एक तरफा एक्शन लगा की आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस कमिश्नर ने दिया है इसका जवाब। सबूत के आधार पर हो रही है निष्पक्ष कार्रवाई। पीएफआई के 3 दंगाइयों को भी धर दबोचा गया है। देखिए रिपोर्ट महज एक मिनट। पत्थरबाजों और उपद्रवियों की गिरफ्तारी होने लगी तो कानपुर के शहर काजी पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाने लगे। लेकिन इन होर्डिंग पोस्टर को देखिए, किस तरह से उपद्रवी पत्थरबाजी करते हुए इन पोस्टर में दिख रहे हैं। हिंसा में जो लोग भी शामिल रहे उनकी पहचान सीसीटीवी और वीडियो से करने के बाद ही कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। 3 घटना में लिप्त थे उनके हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस है, उन्हीं के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर रोज कार्रवाई हो रही है, हर दिन उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है। पीएफआई का नाम सामने आने के बाद पुलिस और मुस्तैद हो गई है, जिसका फायदा भी हुआ है और पीएफआई के 3 दंगाई दबोच लिए गए हैं। लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया है, जो 5 थे, एक बीमार है और एक 1.5-2 साल से मौजूद है। तो 5 को हमने चेक किया था, 3 की एक्टिवनेस नजर आई थी, एक बीमार था और 3 को गिरफ्तार करके भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज और हिंसा के वीडियो पुलिस के पास सबसे बड़े सबूत हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए कानपुर हिंसा के उपद्रवियों पर समाजवादी पार्टी का प्यार उमड़ रहा है। जी हां, देखिए जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू विरोधी चर्चा होती है उससे एडमिन है समाजवादी पार्टी के 2 विधायक। इस रिपोर्ट में देखिए
कानपुर हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर सवालों के घेरे में। हिंसा को लेकर पहले ही कानपुर में समाजवादी पार्टी के एक नेता निजाम कुरैशी पर केस दर्ज हुआ है और अब उसके नाम पर चलने वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप से बड़ा खुलासा हुआ है। टीम निजाम कुरैशी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू विरोधी चर्चा होती है, साथ ही इस ग्रुप में वो पोस्ट भी डाली गई थी जिसमें हिंदुओं की दुकान से सामान ना खरीदने और कई हिंदू स्टोर के बहिष्कार की बात कही गई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की चर्चा होती है उसके ग्रुप एडमिन समाजवादी पार्टी के दो विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी भी हैं। इधर आज इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी, हसन रूमी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की एक टीम कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी के नेता नई सड़क जाकर लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश के बाद कानपुर पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिंसा के बाद अब कानपुर में जब सब कुछ सामान्य हो चला है तो सियासी टूरिस्ट यहां पहुंचकर भड़काने के एजेंडे में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई करने वाले वाराणसी कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी मिली। धमकी भरी चिट्ठी मिलने के से इसके बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जज की सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मैं एक मिनट। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले वाराणसी कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर को धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर ही ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ था जिसमें सनातन के सबूत मिले थे। अब इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के एक संगठन ने जज रवि दिवाकर को धमकी भरा खत भेजा है। जज ने धमकी भरी ये चिट्ठी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजा है जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस धमकी भरी चिट्ठी में लिखा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्ञानवापी विवाद में अगर आपने हिंदुओं के खिलाफ फैसला दिया तो ये हिंदू आपका और आपके परिवार का जीना हराम कर देंगे। सर्वे का आदेश देने के बाद ज्ञानवापी के बाहर भड़काऊ नारे लग रहे थे और आप मूक दर्शक बने हुए थे क्योंकि आप एक मूर्ति पूजक हिंदू जज हैं। कोई भी मुस्लिम हिंदू जज से निष्पक्ष फैसले की उम्मीद नहीं कर सकता। भारत का मुसलमान जानता है कि आप प्रधानमंत्री के दबाव में ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर घोषित कर देंगे। आपके साथ 80% हिंदू हैं तो 20% मुसलमानों से डर कैसा। जज रवि दिवाकर की सुरक्षा में 9 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। वहीं वाराणसी के जिला जज AK विश्वेश की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि वो भी ज्ञानवापी केस की सुनवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की मांग को लेकर अनशन कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आखिरकार मान गए हैं। 5वें दिन अपना अनशन भी तोड़ दिया है। देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान इसी के साथ किया है। इसे एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में अन्न जल त्याग कर शनिवार से लगातार अनशन कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज 5वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया है। द्वारिका पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश के बाद उनके प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में शिवलिंग के जलाभिषेक और आदि विश्वेश्वर की पूजा की मांग को लेकर वाराणसी के श्री विद्या मठ में अनशन कर रहे थे। अनशन खत्म करने से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा ऐलान भी किया है और कहा है कि वो आदि विश्वेश्वर के भव्य मंदिर के लिए देशव्यापी अभियान चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर दो समुदाय के बीच में तनाव हुआ है। दो लोगों के बीच शुरू हुए झगड़े में दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। नजदीक मिनट। जोधपुर को एक बार फिर नफरत की आग में झोंकने की कोशिश हुई है जिसकी गवाही CCTV की ये तस्वीरें हैं। इस बार सूरसागर इलाके में बवाल की शुरुआत हुई। दो युवकों की लड़ाई देखते ही देखते दो समुदायों में फैल गई। राजा राम सर्किल के पास हुई ये वारदात जंगल में आग की तरह फैली। दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा होने लगे। हालात की जानकारी मिलते ही DCP वंदना राणा मौके पर पहुंच गईं। अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब ईद और अक्षय तृतीया के दौरान जोधपुर में भारी बवाल हुआ था। जालौरी गेट इलाके में झंडा लगाने को लेकर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए थे। कई दिनों तक पुलिस को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। एहतियातन सूरसागर इलाके में हुए बवाल के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। जालौरी गेट की वारदात से सीख ले चुकी पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। फिलहाल इलाके में शांति है और पुलिस अलर्ट मोड पर है। पिछले 3 महीने से राजस्थान के अलग अलग जिले लगातार सुलग रहे हैं। 2 अप्रैल को करौली में हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। 17 अप्रैल को अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर तनाव हो गया था। वहीं 1 महीने के दौरान 2-2 बार जोधपुर में भी दो समुदायों में झड़प हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उद्धव ठाकरे आज अपने भाई राज ठाकरे को औरंगाबाद से चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि खरारा जवाब दे सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे औरंगाबाद का नाम बदलने का भी यहां से ऐलान कर सकते हैं। एक मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के बीच हिंदुत्व को लेकर शह और मात का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा और हिंदुत्व को लेकर अपने चचेरे भाई और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लगातार घेर रहे हैं। अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से जवाब देने की तैयारी है, जो आज औरंगाबाद की रैली में दिखने वाली है। औरंगाबाद में राज ठाकरे कुछ समय पहले बड़ी रैली कर चुके हैं और शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साध चुके हैं। अब जवाब देने की बारी उद्धव ठाकरे की है। औरंगाबाद में रैली से पहले शिवसेना ने टीजर जारी किया है, जिसमें शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का पुराना भाषण वाला वीडियो भी है। इस वीडियो में बाल ठाकरे ने औरंगाबाद को संभाजी नगर का नाम दिया था। इस वीडियो के सामने आने पर कयास लग रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आज औरंगाबाद का नया नामकरण संभाजी नगर के तौर पर कर सकते हैं। बीजेपी एमएनएस भी औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की मांग करती रही है। अगर आज उद्धव ठाकरे ऐसा ऐलान करते हैं तो ये शिवसेना का बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए महाराष्ट्र के बाद रुख कर लेते हैं कर्नाटक से खबरों का। कर्नाटक में इन दिनों अंडरवेयर पॉलिटिक्स जोरों पर चल रही है। पूर्व सीएम सिद्धरमैया के बयान के बाद बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं को पुराने अंडरवेयर गिफ्ट कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट एक मिनट में। कर्नाटक की सियासत में इन दिनों अंडरवेयर पॉलिटिक्स हावी है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस ने आरएसएस का विरोध करने के लिए खाकी नीकर जलाया तो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता भड़क गए और अंडरवियर कैंपेन शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता बेंगलुरु स्थित कांग्रेस कार्यालय में अंडरवियर इकट्ठा कर भेज रहे हैं। इसके लिए वो कर्नाटक के अलग अलग जिलों में घर घर जाकर लोगों से पुरानी और बेकार हो चुकी अंडरवियर जमा कर रहे हैं, फिर इन अंडरवियर को बॉक्स में पैक कर बेंगलुरु के कांग्रेस कार्यालय भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को गिफ्ट देने के लिए अंडरवियर से भरे बॉक्स को लेकर बेंगलुरु स्थित उनके आवास के बाहर पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने इन लोगों को पहले ही रोक लिया। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कुछ सदस्यों ने राज्य में स्कूली पाठ्यक्रमों के कथित भगवाकरण के खिलाफ राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के आवास के बाहर खाकी नीकर जलाए। इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आरएसएस के खिलाफ बयान ने विवाद को और तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और गोल्ड बरामद किए गए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार इसके बाद से लगातार जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने कल सत्येंद्र जैन के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की तो वहां भारी मात्रा में कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए। इनमें करोड़ों रुपए कैश और सोने के सिक्के मिले हैं। ईडी की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी ने गलत बताया है और कहा है कि जबरदस्ती किसी को भी सत्येंद्र जैन का करीबी बता दिया जा रहा है। 5 दिनों तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला सत्येंद्र जैन के पास, कोई भ्रष्टाचार नहीं खोज पाई मोदी जी की एजेंसी ईडी। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है। ये है वो ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे ईमानदार हैं, उनकी पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदार। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और वो 9 जून तक ईडी की हिरासत में है। उधर बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगली खबर भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी। सेना की अग्निपथ स्कीम पर आज होगी चर्चा। कैबिनेट बैठक में लग सकती है इस पूरी योजना पर मुहर। 4 साल में नई भर्तियों को लेकर लाई जा रही है ये अग्निपथ योजना। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार जल्द सेना में रुकी हुई भर्ती को खोलने जा रही है, लेकिन इस बार भर्ती के लिए सरकार एक नए रिक्रूटमेंट प्लान पर काम कर रही है। ये योजना अग्निपथ के नाम से जानी जाएगी और इसके तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया जा सकता है। इसमें सैनिकों को महज 4 साल के लिए सेना में नौकरी करने का विकल्प दिया जाएगा। सेना में भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद सैनिकों की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद कुछ सैनिकों की सेवाएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी में 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग शामिल होगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन एकमुश्त राशि दी जाएगी।
खास बात यह होगी कि अब सेना के रेजिमेंट में जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से भर्ती नहीं होगी, बल्कि देशवासी के तौर पर होगी। यानी कोई भी जाति, धर्म और क्षेत्र का युवा किसी भी रेजिमेंट के लिए आवेदन कर सकेगा। तत्कालीन CDS जनरल बिपिन रावत सेना के अधिकारियों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी प्लान पर काम कर रहे थे, जिसके तहत सेना में अधिकारियों को 3 साल के लिए सेवाएं देनी थी। लेकिन जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन मोदी सरकार इस योजना को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर वाराणसी के गांव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। स्वच्छ भारत अभियान का जायजा लेने के दौरान जब स्मृति ईरानी को गोबर का ढेर दिखा तो खुद ही फावड़ा लेकर गोबर हटाने लगी। इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब स्वच्छता अभियान का जायजा लेने पहुंची तो वहां जो कुछ भी हुआ वो हैरान कर देने वाला रहा। जब स्मृति ईरानी खुद ही फावड़ा चला रही हो तो भला उनके साथ चल रहे कार्यकर्ता कहां पीछे रहेंगे, वो भी साथ देने में लग गए। स्मृति ईरानी सिकरौल गांव में सफाई अभियान का जायजा ले रही थी तो उन्हें एक जगह गोबर का ढेर दिखा। इस दौरान इलाके की एक बुजुर्ग महिला ने स्मृति ईरानी से कहा कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है लेकिन मैदान में गोबर का ढेर है, अगर वो हट जाता तो बहुत अच्छा रहता। महिला के इतना कहते ही स्मृति ईरानी ने फावड़ा उठाया और गोबर का ढेर हटाना शुरू कर दिया। BJP कार्यकर्ताओं ने भी साथ दिया और चंद ही मिनटों में गोबर का ढेर वहां से साफ हो गया। इस सफाई अभियान पर महिला ने स्मृति ईरानी को धन्यवाद दिया और दोनों ने साथ में फोटो भी खिंचवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आज से माता खीर भवानी मेला शुरू हो गया, जो कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में से एक है। घाटी में टारगेट किलिंग के बीच इसको लेकर मेले में भारी संख्या में कश्मीरी पंडित पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट, महज एक मिनट। ये है जम्मू कश्मीर के गांदरबल का मशहूर माता खीर भवानी मंदिर। यहाँ आज से माता खीर भवानी मेला शुरू हो गया है। कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद अहमियत रखने वाले इस मेले की रौनक देखते ही बन रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। वहाँ निशाना इंसान को बनाया जा रहा है, हिंदू समाज को खासकर, तो आज उस वजह से जो कि लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं उस वजह से आज लोग यहाँ जानीपुर में, ये मंदिर है माता का, तो यहाँ पे ही दर्शन के लिए, पूजा के लिए आए हैं। बट आशा यही है कि जल्द ही वहाँ पे माहौल ठीक हो और जल्द ही जल्द सब जो कश्मीरी समाज है वो वहाँ पे जाए। माता खीर भवानी की पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि टारगेट किलिंग के खतरे से उबर कर कश्मीरी पंडित यहां पूजा अर्चना कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।